बोला जाता है ताला मंदिर को, देवरानी जेठानी रुद्र सिंह ताला को सब जी छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन में गिना जाता है। जी और उसको विदेश से दौरे के लिए आते, विदेश से देखने के लिए आ जाता है रुद्र सिंह को विशेष रूप से। वो ऐसा मूर्ति विश्व में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं। हाँ, अब जो भी बना होगा ये सब वो बाद में डुप्लीकेट बनाया गया, उसको बाद में बनाया गया है। ये सबसे ओरिजिनल मूर्ति है रुद्र सिंह की, ये यहाँ की विशेष है। विशेष और इधर बहुत सारी हर पत्थर में कुछ न कुछ कलाकृति है, उन्हीं कलाकृति को यहाँ देखने के लिए आया जाता है। सही। और जैसे कि इधर जेठानी की साइड में है एक जो पत्थर में पुष्प दल बना हुआ है, जिसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का लोगो बना हुआ है। अच्छा, लोगो यहीं से ले गए हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो लोगो बनाया है ना, जी जी जी, वो यहीं का है, वो यहाँ से कॉपी करके उन्होंने अपना लोगो बनाया है। लोगो बनाया है, ठीक। ये बहुत सारी यहाँ विशेष रूप से है। सो फाइनली 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 दोस्तों, आपका इशविंदर सिंह ब्लॉगर इतने दिनों बाद आ चुका है और आज का थोड़ा सा कंटेंट तगड़ा होने वाला है, इसलिए आज मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लिया जाए। तो अभी क्या कंटेंट है ना कि कैसे ना सारे फ्रेंड्स लोग मिलेंगे और एक अच्छी जगह घूमने जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे वहाँ तो आपको अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप फिर ब्लॉग देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे, इसलिए वहाँ चल के आपको पूरी वीडियो पूरी मतलब जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बस समझ जाओ। तो अभी मैं निकलता हूँ फटाफट और दोस्तों वहाँ वेट कर रहे हैं और उनसे भी आपको मिलता दोस्तों। फाइनली पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हो मंदिर है और इधर अपनी गाड़ी खड़ी, इधर सारे अपने तो मिलिया हमारे हर भाई से जिसको आप जानते ही हैं। अपना नाम बताइए भाई। पूरा नाम पटेल, पटेल दीपक। मेरे को नाम बस दीपक पता था, पटेल नहीं पता। और ये हमारे अनुपम शुक्ला जी, और भी बाकी दोस्त लोग हैं वो थोड़ा गए हुए हैं, वो आते हैं तो फिर आपको उनसे भी मिलना। तो जब तक आपको यहाँ की शॉप वगैरह भी दिखा दोस्तों, मंदिर जाने से पहले भाई लोग अपना नारियल वगैरह ले रहे हैं। क्या क्या लिया? नारियल और अगरबत्ती, फूल, प्रसाद, सब। हाँ, सब सामान। तो दोस्तों आप लोग भी आ सकते हो तो यहाँ से ले सकते हो। टोटल करने के लिए दोस्तों यहाँ कैलकुलेटर की जरूरत पड़ चुकी है। चलो अब चलते हैं। तो अपन ने भी ये बेल पत्ता ले लिया जिसको अंदर चढ़ाना है, और ये एंट्रेंस गेट है मंदिर का। तो पीछे दोस्तों देख सकते हो ये है अपना देवरानी जेठानी मंदिर, और वहाँ पीछे में देवरानी जेठानी, अच्छा सॉरी क्या, देवरानी जेठानी, देवरानी और जेठानी मंदिर। और भाई यहाँ पर झूला खा रहे हैं। और कैसा है भाई? बढ़िया, ठीक भैया।
दोस्तों अभी मंदिर वगैरह में मत्था टेक लिया, ये है हमारी कुछ मैडम है तो उन्होंने टीका लगा लिया। टीका तो दिखा, वाह वही वाह, असली बूढ़े की भक्त यही है। और एक ये इसने छोटा सा, ये छोटे वाले भक्त है, ये सबसे बड़ी भक्त है, ये सबसे भी फर्जी भक्त है ना। सब क्लासमेट्स है अपने, बाकी टॉपर ये है, ये पेपर के वक्त अभी बात जितनी कर लो पर पेपर के वक्त पलट के भी नहीं देखती कौन है भाई तू। दोस्तों एक ये है मंदिर जो कि अभी बंद है, और यहाँ का आसपास का व्यू चेक करो कितना मस्त लग रहा है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो दोस्तों मतलब जब इतने दिनों बाद अगर हम कहीं भी अच्छी जगह जाए ना, पॉजिटिव जगह, भले हम मानते ना मानते लेकिन हर एक धर्म का हमें सत्कार करना चाहिए। और पीछे आप जैसे देख सकते हो अभी ये वाला मंदिर बन रहा है, और वहाँ पर पीछे दूर में ना पुरातन जमे की कुछ कुछ समय की मूर्तियाँ हैं, तो वो भी आपको अभी चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा मंदिर वगैरह घूम लिया इधर का, और प्रातन यहाँ पर कुछ कुछ स्टैचूज और मूर्तियाँ भी थी वो जो कि वहाँ रखी है, और बाकी इधर से पूरा राउंड मार के आ गए। तो अब हम काय को यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में, बताइए। देवरानी जेठानी ना शरदपुर शासक की दो बहुएं बनवाए थे। अच्छा, दक्षिण कौशल शरदपुर शासक की दो बहुएं ने जी, तो देवरानी ने शिव जी का मंदिर बनवाया था, जेठानी ने गौरी जी का मंदिर बनवाया था जी, इसलिए नाम पड़ गया इनका देवरानी जेठानी। अच्छा, इधर जो खंडहर दिख रहा है ना वो जेठानी का है जी, उधर जो खंडहर है वो देवरानी का है। अच्छा, और देवरानी साइड में रुद्र सी है जिसे विशेष रूप से देखने के लिए आ जाता है। अच्छा, अब ये मिट्टी से ढका हुआ था ना तो खुदाई के दौरान निकला हुआ इसीलिए ये टूट गई जी। और जब देवरानी जेठानी का खुदाई नहीं थे ना, उससे पहले का अंदर में जो शिव जी है जी, उनकी पूजा स्वामी पूर्णानंद बाबा जी करते थे जी, और स्वामी पूर्णानंद जी के माध्यम से ही ये सब पता चला, तो बाद में पूरा तत्व भाग खुदाई किए। अच्छा, तो यहाँ का मुख्य मंदिर को बताया जाता है सिद्धनाथ जी। अब मुख्य मंदिर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी पूजा ना शुरू से होते आ रहा है आदम जमाने से, जब देवरानी जेठानी खुदाई नहीं थी तब से। और यहाँ की 14x28 डिसमिल इसकी जितनी भी एरिया है वो इन्हीं मंदिर के नाम में रजिस्टर है, सिद्धनाथ के मंदिर के नाम में। अच्छा, इसलिए इसे मुख्य मंदिर कहा जाता है। और ये कौन से सन की बात है? छठी शताब्दी और 1987 में सब इनका खुदाई हुआ है। 1987 में हाँ इनका खुदाई, ये खुदाई हुई रहा था, तो वहाँ की जो मूर्तियाँ आप देख सकते हो वो वहाँ से निकली थी। और अपना नाम, शुभ नाम? प्रवीण कुमार वैष्णव। कि वो रुद्र शिव है ना जी, वो पूरे जीव जंतु से बना हुआ है जी, तो हर कास्ट में उसका पता होना चाहिए। जैसे कि दाढ़ी केकड़े का बना है, अच्छा मुंह से बना वो मछली का है, अच्छा पगड़ी बना वो सर्प का बना हुआ है, अच्छा कान बना वो मयूर का है, अच्छा लिंग बना वो कछुए का, ऐसा वो 12 जीव जंतु से बना हुआ है। अच्छा, इसीलिए इसको विदेश से भी देखने के लिए आ जाते हैं रुद्र शिव। अच्छा, ये वहाँ की विशेष बात बताया जाता है, विदेश से भी लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन बोला जाता है ताला मंदिर को, देवरानी जेठानी रुद्र शिव ताला को सब छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन में गिना जाता है जी। और उसको विदेश से दौरे के लिए आते, विदेश से देखने के लिए आ जाता है रुद्र शिव विशेष रूप से। वो ऐसा मूर्ति विश्व में नहीं थी, पूरे विश्व में नहीं। हाँ, अब जो भी बना होगा ये सब बाद में डुप्लीकेट बनाए, इसको बाद में बनाया गया है। ये सबसे ओरिजिनल मूर्ति है रुद्र शिव, ये यहाँ की विशेष है विशेष। और इधर बहुत सारी हर पत्थर में कुछ न कुछ कलाकृति है, उन्हीं कलाकृति को यहाँ देखने के लिए आया जाता है। सही। और जैसे कि इधर जेठानी की साइड में है एक जो पत्थर में पुष्प दल बना हुआ है जिसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का लोगो बना हुआ है। अच्छा, लोगो यहीं से ले गए हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो लोगो बना है जी जी जी, वो यहीं का है, वो यहाँ से कॉपी करके उन्होंने अपना लोगो बनाया है। लोगो बनाया है ठीक। ये बहुत सारी यहाँ विशेष रूप से है, इसीलिए इसका छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण बोला ठीक है। और यहाँ मुख्य मंदिर ये सिद्धनाथ जी, जो नीचे वाला शिव जी वो सबसे प्राचीन शिव जी माना जाता है, प्राचीन, और ऊपर वाले को बाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि पंडित जी ने पीछे बताया यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, और आप लोग को भी थोड़ी बहुत जो नॉलेज होगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी जहाँ भी जाइए ना वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वहाँ के आप लोगों से बात करके चित करके पूछ सकते हैं। और
आपको ये बता, जिनको नहीं पता होगा तो उनको ये देखो कितनी अच्छी खास नॉलेज की बात पता चल गई देरानी जेठानी मंदिर के बारे में। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको तो जरूर पता ही होगा ये वाले मंदिर के बारे में। तो दोस्तों मंदिर के जस्ट गेट के सामने में है एक गार्डन घेरा, और इधर अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और उसके सामने में जस्ट यहाँ पर बहती है एक नदी। चलो आपको नदी दिखाते हैं। सब तो यहाँ का दोस्तों व्यू कितना खतरनाक है, और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ए पीछे वो लोग हैं, मतलब पहले ही मेरे से पहुँच गए थे क्योंकि मैं मंदिर का वहाँ से वो ले रहा था, वीडियो बना रहा था पंडित जी का, और ये मेरे से पहले ही पहुँच गए थे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी गिर रहा है पर मज़ा बहुत आ रहा है, नदी पूरी फुल है। एक्चुअल में वहाँ पर एक रास्ता बहता है जो कि अभी वो डूबा हुआ है वहाँ पर से, और वहाँ से एक रास्ता है वो दिखी, वो वहाँ से ऐसे एक रोड जाती है, और वो भी पानी के ओवरफ्लो के कारण पूरी डूब चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल मंदिर वगैरह के दर्शन वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत घूम भी लिया, और अब यहाँ पर पास में एक मटकू द्वीप, तो वहाँ भी अपन चलते हैं। बस निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकालते हैं। चलो तो फिलहाल दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं अपना द्वीप में, और वो पीछे देख रहे हो वही है आइलैंड, और वो पानी के बीचों बीच में है वहाँ पास। और वहाँ के जाने के लिए पीछे बोट देख सकते हैं, यहाँ बोटिंग चलती है, और वो यहाँ से बिठाते हैं बोट में और वहाँ छोड़ देते हैं। तो पीछे सब दोस्त लोग हैं, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी बोट वाले भी आते हैं उनके। वहाँ पीछे आप दूर में देख सकते हो वहाँ पर बोट है, लेकिन क्या ही व्यू है, आप चेक करो, मज़ा आ गया देख के यार। तो फिलहाल दोस्तों अभी बोटिंग करने का प्लान बन चुका है, और आइलैंड के बीच में जा रहे हैं हम लोग सब, और वहाँ बोटिंग में सब बैठ रहे हैं, नाव को अभी सामने लाएंगे। तो भाई चलो अब धीरे धीरे आराम, बीच में डालूं पैर, बीच में डालूं ऐसे। ओ भाई साहब फाइनली दोस्तों नाव में चढ़ चुके हैं, पूरी डगमग हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। और भाई लोग इधर बैठ चुके हैं। ओ भाई साहब निकाल रहे हैं, लेकिन लोग डिस्टर्ब करते हैं, पर क्या करें, हम ब्लॉगर आदमी कैसे भी बनाना पड़ता है कंटेंट। तो व्यू चेक करो दोस्तों, अब मजा आ रहा है, यहाँ से नाव चालू हो गई, बीच में जाएंगे वहाँ पर देसी वाले और मछली वगैरह निकलती है। तो दोस्तों एक वो आइलैंड है उसके बारे में बता रहे हैं, वहाँ एक से एक आपको सांप देखने मिल जाएंगे, और पक्षियाँ भी हैं, बुगले वगैरह वहाँ ज़्यादा होते होंगे ना, पक्षी वगैरह। तो वो वाले टापू में कोई नहीं जाता, यहाँ पानी कभी नहीं सूखता। तो फाइनली दोस्तों अपन यहाँ से उतर चुके हैं नाव से, और लोग डरे जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों पीछे देख सकते हो यहाँ पर मंदिर वगैरह भी है, और बहुत सारे, मतलब एक तो सामने ही मंदिर दिख रहा है जिसमें बोलते हैं कि जमीन के अंदर से वो निकला हुआ है। स्मार्टली सुना था, यहाँ देखने मिलता है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन स्मार्टली कहीं पर है तो यहाँ 1100 साल पुराना स्मार्टली होता है। 5 देवताओं का एक ही साथ स्थापना है, देवी शिव विष्णु गणेश और सूर्य, वही है पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन यहाँ पर दिखता है, ऐसे देखने समझ भी नहीं आता। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से भी निकलने का टाइम हो चुका है, और मंदिर वगैरह के भी दर्शन यहाँ के थोड़ा बहुत ही था, प्राचीन समय का एक मंदिर था मटकू द्वीप में, वो भी हमने दर्शन वगैरह कर लिए, छोटा सा गार्डन भी है, और आगे चल के देखते कुछ होगा नहीं तो फिर अभी जाने का भी समय होगा। तो फिलहाल दोस्तों वापस जाने की तैयारी हो चुकी है, वो वाले टापू में, मतलब जो अपन टापू में, सारे टापू में आए थे, वापस रास्ते में जा रहे हैं, और सब भाई लोग हमारे को देखते रहे। मज़ा लेकिन बहुत आता है बोटिंग के समय में ना, ये पानी का जो सीन है, अब ठंडा हो गया, जाते समय पता नहीं पानी थोड़ा गरम था। तो दोस्तों यहाँ हमको एडवाइस दी जा रही है कि फोन ना छूटे, नहीं छूटेगा।
सो फिलहाल दोस्तों अभी क्या थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुके हैं पीछे शेरे पंजाब, अंदर चलते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद गार्डन में भी बड़ा इंजॉय वगैरह कर लिया और अब बस यहाँ से निकलते हैं। पानी गिरने का मौसम हो रहा है, शाम भी हो रही है, लेट बहुत हो गया। सो फिलहाल दोस्तों अब घर पहुंच चुके हैं, भाई एकदम थक गए थे तो रास्ते का ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, बैटरी भी कम थी। तो बस आज का वीडियो जैसा लगा आप कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो तो वीडियो को कमेंट भी कर देना यार, आपसे कंटिन्यू बनाऊंगा। अब बस आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए बस, बाकी अब मैं कर लूँगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश। तो बस इसी तरह प्यार बनाए रखना जैसे आप पहले बना के रखे थे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।